पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसानों और बजट समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। हुड्डा ने बारिश से खराब किसानों की फसल के लिए सरकार से 15 दिनों में किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। हुड्डा ने कहा कि पोर्टल न चलने से किसानों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है, ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा देना चाहिए। तो वहीं बजट को लेकर हुड्डा ने कहा कि सरकार और आरबीआई के आंकड़े एक समान नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष नहीं बल्कि सरकार आंकड़े बदल रही है। यमुनानगर में हुए विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम को लेकर हुड्डा ने कहा कि कार्यक्रम की सफलता ने संदेश दिया है कि 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। पोर्टल देखिए, पोर्टल है या डिजिटल है, कोई ये नहीं है कोई मैं उसके खिलाफ हूँ, लेकिन वो वही इस्तेमाल करना चाहिए जो जनहित में हो, जनता को परेशान करने के लिए नहीं। अभी तीनों, एक तो परिवार पहचान पत्र, एक यमुनानगर गया था मैं, वो प्रॉपर्टी आईडी, लोगों ने मुझे सब लिख के दिए, मेरे को देखो इतने मेरे को मिले हैं, वहां के व्यापार मंडल ने उन्होंने इतनी शिकायतें दी है मेरे को। कोई भी वर्ग, मैंने कहा आप देखें, कोई भी वर्ग, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे शहरी है, चाहे ग्रामीण है, कोई भी वर्ग इस सरकार से संतुष्ट नहीं है, सब इससे विमुख है, विमुख है। इसी वास्ते मैंने कहा यमुनानगर में लोग तो जो देखा, जो उसमें जोश देखा, मेरा भी राजनीति का बहुत तजुर्बा है, हरियाणा के लोग बन बना चुके हैं, आने वाली सरकार कांग्रेस की सरकार से पिता चला। आंकड़े इनके होते हैं, लीडर ऑपोजिशन के बारे में कह रहा, आंकड़े वो अलग अलग दे रहे हैं, आंकड़े तो मुझे इनके हिसाब से दूंगा, जबकि असलियत क्या है? असलियत मैंने कहा था आपको कि इस साल 4 लाख करोड़ से ज्यादा असर लोन लाइब्रेरी हो जाएगी है, क्योंकि इंटरनल डेप्थ जो है 23-24 का जो है 2,85,885, ये इनके बजट में दिया। उसके अलावा पब्लिक डिपॉजिट जो स्मॉल सेविंग है, कैश रिपोर्ट लाइब्रेटरी ऑन अकाउंट ऑफ दिया है 36,809 करोड़ है, जो ईयर मार्च एंडेड 2022 में एज पर फास्ट ट्रैक जनरली 3 से 4 हजार करोड़ इंक्रीज हो रहा है हर साल में। इसका मतलब अमाउंट जो है लाइकली टू गो 44,000 42,000 हो जाएगा पब्लिक अकाउंट डेपोजिट स्मॉल बैंक का जो है।